हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे व्रत वाले साबूदाना खिचड़ी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत डिलीशियस है और साबूदाना भी बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। आप इसे जरूर ट्राई करें। एक बोल में हम लगभग 1.5 कप साबूदाना लेंगे। बोल में डालने के बाद अब इसे पानी से भर देंगे। पानी से भरने के बाद इसे हाथों के हाथ से वॉश कर लेंगे। ऐसा हम दो बार करेंगे और ये जो पानी है इसे हम फेंक देंगे। दो बार वॉश करने के बाद, पानी फेंकने के बाद अब इसको हम पानी से भर देंगे। जितना साबूदाना है हम इसमें उतना ही पानी भरेंगे, उससे ज़्यादा नहीं भरेंगे। इसे अच्छे तरह से सेट कर देंगे। अब इसे लगभग 4 से 5 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 4 से 5 घंटे में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाएगा। हम इसे ढक देंगे। ढक के लगभग 4 से 5 घंटे तक ऐसे ही रहने देंगे। 4 से 5 घंटे के बाद हम चेक करेंगे कि देखिए हमारा साबूदाना कितना खिला खिला दिख रहा है और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फूल गया है, ये देखिए। अब इसे एक बार हम मिक्स कर लेंगे ताकि साबूदाना बिल्कुल अलग अलग हो जाए, ये देखिए। अब इसे साइड में रख देंगे। एक कढ़ाई में हम देसी घी लेंगे। हम लगभग 2 टीस्पून देसी घी लेंगे। देसी घी को बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे और इसे हल्का गर्म भी होने देंगे। जब ये हल्का गर्म हो जाए तब इसमें हम कड़ी पत्ते ऐड करेंगे और इसमें हरी मिर्च चॉप्ड करके डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हल्का सा भुनेंगे। जब कड़ी पत्ता क्रिस्पी हो जाए तब ये हम पतले पतले पीसेस में कटे हुए आलू ऐड करेंगे। हमने आलू को कट करके वॉश करके स्ट्रेन कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बॉइल्ड आलू भी ऐड कर सकते हो। हल्का भुनने के बाद इसमें 4 टेबलस्पून वाटर ऐड करेंगे। वाटर डालने से आलू बिल्कुल जल्दी से कुक हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा और हमें साबूदाना खिचड़ी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। वाटर ऐड करने से आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ी देर फ्राई होने के बाद अब इसमें चॉप्ड किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। हम इसमें लगभग 2 मीडियम साइज के टमाटर को ऐड करेंगे कट करके। अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अगर आप इसे व्रत में बना रहे हैं तब आप इसमें सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। मिक्स करके ढक के हमें इसे कुक करना है और बीच बीच में इसे चलाते रहना है। ये देखिए अब ये हल्का कुक हो गया। एक बार इसे चेक करेंगे। अगर ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है तब तो ये पक चुका है। अगर ये हल्का कच्चा लग रहा है तब हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब इसमें हम जो साबूदाना सोक्ड किए थे वाटर में उसे ऐड कर देंगे और इसमें पीनट्स पाउडर ऐड करेंगे। हमने भुनी हुई मूंगफली को मिक्सचर में डाल के इसको बिल्कुल दरदरा पीस लिया है और इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, जिसे हम काली मिर्च पाउडर बोलते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मूंगफली ऐड करने से साबूदाना एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। मूंगफली कैसे रोस्ट की जाती है इसकी रेसिपी भी हमने चैनल पे शेयर की हुई है, आप उसे वहां से ट्राई कर लें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के लगभग 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक साबूदाना हल्का ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे और बीच बीच में चलाना नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो साबूदाना नीचे से जलने लगेगा। बीच बीच में लगातार चलाते हुए ढक के लगभग 3 से 4 मिनट में साबूदाना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा। थोड़ी देर कुक होने के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए अब हमारा साबूदाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे खुला ही लगभग 30 मिनट तक कुक करेंगे। अब इसमें भुनी हुई मूंगफली ऐड करेंगे। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा ले सकते हैं। मूंगफली डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी साबूदाना खिचड़ी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखने लगी है, ये देखिए। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे इस व्रत के सीजन में जरूर ट्राई करें। हमारी साबूदाना खिचड़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।